हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल यूनिक नाश्ता। ऐसा नाश्ता आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, मेरी गारंटी है। आप इस नाश्ते को पूरा देखेगा, आपको मजा आ जाएगा। इसमें ना आलू को उबालने का झंझट है, ना आलू की जरूरत है और ना किसी और चीज की जरूरत है। मात्र पोहे से हम बनाएंगे इतना टेस्टी नाश्ता जिसे आप पूरे महीने तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टोर कर नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि आप इसे 2-3 दिन में ही फिनिश कर देंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम पोहा, और इसे कुछ लोग चूरा ही बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैंने पतले वाले का इस्तेमाल किया। आपके पास अगर मोटा वाला हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पतले वाले जल्दी भीग जाते हैं तो इसीलिए इसे भिगाने में ज़्यादा टाइम की बर्बादी नहीं होती है। अगर आपका मोटा वाला है तो आपको 10 मिनट भिगाना पड़ेगा, अगर पतला वाला है तो 5 मिनट में ही फूल जाता है। तो आइए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसे हम इस तरह से रख लेते हैं। एक बर्तन लेंगे बड़े साइज का, और उसमें हम रखेंगे इस तरह से ये वाला छल्ला, और इसमें हम अपने पोहे को डाल देंगे सारा का सारा। और अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि हमें पोहे को अच्छे से वॉश करना है। तो फ्रेंड, पोहा मार्केट में मिलता है तो इसमें कई दिन तक ऐसे ही बाहर रखा रहता है। अगर आप पैकेट वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वॉश कीजिए, अगर आप खुला इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी वॉश कीजिए, वॉश करना जरूरी है। तो मैंने इस तरह से आधा लीटर पानी में इसे इस तरह से धो दिया है, और अब इसे हम बिना टच किए हुए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे कम से कम 5 मिनट, और 5 मिनट बाद ये अच्छे से फूल जाएगा। तब इसे हम निकाल लेंगे और इसका पानी भी अच्छे से झड़ जाएगा। तो हमें 5 मिनट का वेट करना है। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पोहा अच्छे से फूल चुका है। इस तरह से जब हम छू रहे हैं तो ये देखिए टूट रहा है, तो यानी अच्छे से फूल चुका है। और अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से बड़े से बर्तन ले लेंगे और इस तरह से इसको करेंगे ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। और अब हम अपना सारा का सारा इसके अंदर पलट लेंगे और इसे कर देंगे साइड में। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसमें निकाल लिया है, देखिए। और अब मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। तो अजवाइन मैं हाथ में मसल कर डालूंगी, इस तरह से थोड़ी सी अजवाइन दे रही हूँ और इसे अच्छे से मसलते हुए इसके अंदर डाल दूंगी। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुटी हुई चिली फ्लेक्स, आप लोग इसे कुटी हुई लाल मिर्च भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप घर में बना लीजिएगा। और अब इसके बाद हम इसमें कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। तो हमने डाल दिया है हल्दी, और अब इसमें जाएगा भुना हुआ जीरा। तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरा हमने डाल दिया है, और ये मैंने हल्दी जिसमें पीसी थी उसी में जीरा पीस दिया था, तो इसलिए इसका रंग इस तरह से हो गया, आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालेंगे आधा चम्मच तक। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और अब इसमें जाएगा सॉल्ट यानी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आपको टेस्ट पसंद हो। तो हम आधा चम्मच इसमें नमक डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालना इसलिए भी जरूरी है कि नाश्ता क्रिस्पी बने, तो इसलिए मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है, और लंबे समय तक खराब ना हो हमारा नाश्ता, तो इसलिए ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। तो फ्रेंड, काली मिर्च ज्यादा नहीं पड़ेगी, 4 काली मिर्च के दाने को मैंने बीच से हल्का सा क्रश कर लिया है, इस तरह से डालना है। ये जो टेस्ट देता है बहुत ही अलग देता है, और सारी चीजें पड़ चुकी हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, और ये हम डाल दे रहे हैं इसके अंदर। अगर आपके पास हो तो डालिएगा, ना हो तो मत डालिएगा, कोई जरूरी नहीं है। और अब इसमें हम डालेंगे आधा लेमन का जूस यानी नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो ड्राई आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आधा नींबू का रस मैंने इस तरह से इसके अंदर फ्रेश डाला है, आप चाहें तो रखा हुआ नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश चीजें डालने से एक टेस्ट अलग आता है हर चीज का। तो इस तरह से मैंने पूरा आधा नींबू निचोड़ दिया इसके अंदर, तो इस तरह से मैं हटा दूंगी। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। तो शुरुआत में हमें इसे चम्मच से मिलाना है, फिर चम्मच को हम कर देंगे साइड में, और अपने हाथों से इसे अच्छे से मसलेंगे, और बिल्कुल इसका आटा टाइप में लगा लेंगे। तो मसल मसल के इसका आटा लगा लेना है, तभी जो इसका नाश्ता है बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से मसलते जाइए, यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत ही जल्दी ये फूल जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा पोहा फूल चुका है। अगर मोटा वाला है तो आपको टाइम लगेगा उसको भिगोने में, कोई भी आलू की जरूरत नहीं, कुछ और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम इसे अच्छे से मसल लेंगे, और मसल मसल के इसे थोड़ा सा चिकना करना है। जितना आप चिकना करेंगे आपका नाश्ता फटेगा नहीं और उसमें क्रैक नहीं आएंगे। तो टिप यही है कि आप इसे अच्छे से मसलिए और मसल मसल कर चिकना कर लीजिए। तो ये देखिए बंधने लगा है अच्छे से,
और कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से हमने इसे गूंद लिया है, जैसे हम आटा गूंदते हैं, तो इस तरह से घुमा घुमा के हल्के हल्के हाथों से इसको मार रहा है, क्योंकि ये हमारा पोहा है तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा तेज हाथ मत लगाइएगा। और इस तरह से ये रेडी हो चुका है। तो थोड़ी देर हम इसे रेस्ट देंगे ताकि जो मसाले वगैरह हमने डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएं। तो 2 मिनट का रेस्ट देंगे, बस 2 मिनट का रेस्ट देने पर ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा और जितना मॉइस्चर है इसका सूख जाएगा। तो इस तरह से हमें रखना है इसे। तो फ्रेंड ये अच्छे से अब हो गया है तैयार, और अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से ले लेंगे और इसकी हम इस तरह से लोइयां बनाएंगे, और इस तरह से लोइयां बना बना कर हम इसके अंदर रखते जाएंगे जिसके अंदर हमने पूरा रखा था। और इस तरह से हमारी जितनी गोलियां इसमें बन पाएंगी हम बनाते जाएंगे। नाश्ते को आप लास्ट तक देखिएगा, नाश्ता आपको काफी पसंद आएगा। नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो इस तरह से हम गोलियां बना बना के रखते जाएंगे सारी की सारी। तो फ्रेंड इतनी गोलियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ये देखिए। और इसको हम कर देंगे साइड में, और इस तरह से एक गोली लेंगे। अब इसको अच्छे से चिकना करना है, और चिकना करने के बाद इस तरह से हम इसको, तो ये पोहे का है तो ये फटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसे हल्का सा चिकना कर लेना है। और इसको अब हम सूखे मैदे में लपेट रहे हैं, बस इसको कोट करना ताकि बेलने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह से हम लेंगे और बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं। तो अच्छे से मैंने इस पर कोट कर लिया है, और अब इसे हम इस तरह से, बिल्कुल फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये मैदे का है, सॉरी पोहे का है, तो इसलिए ये फटेगा। तो इस तरह से हमें ये बेल लेना है, और इस तरह से हम सारे बेलते जाएंगे, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम रखते जाएंगे और सारे अपने बेल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इसे मैंने इस तरह से बेल डाले हैं सारे, और शेप में ये आपको थोड़े से टेढ़े वेढ़े नजर आएंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी तो हम इसको शेप देंगे ही। तो इस तरह से आपको बेल लेना है, और इस तरह से मैंने अपने सारे को बेल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे इस तरह से, और इस तरह से जो भी ढक्कन होगा आपके पास उसको लेना है, और बीच से इससे हम इस तरह से कट करेंगे और इसके साइड के पोर्शन को निकाल लेंगे। और अब इसके बाद इससे छोटा लेना है जो इसके अंदर आ जाए, इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। और इसको हम इस तरह से बीच से करेंगे, और अब हम इसके आराम से साइड को चाकू से निकालेंगे। तो फ्रेंड थोड़ा सा नाइफ को ऐसे ऐसे करेंगे इसके सेंटर में, किनारे किनारे, और ये आसानी से निकल जाएगा। और इस तरह से अब हम इसे निकाल लेंगे, और ये हमारा रेडी हो चुका है, इसे हम इस तरह से रख लेंगे। तो इसी तरह हम अपने सारे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने अपने सारे बना लिए, इस तरह से रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप फ्राई कीजिए। और मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ, किस फ्लेम पर फ्राई करें कि अच्छे से क्रिस्पी बने। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड इसे फ्राई करने के लिए तेल को बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है, तेल हल्का सा गर्म हो जाए तब आप गैस के फ्लेम को धीमा कर लीजिए। और इस तरह से ये प्यारे प्यारे जो तैयार किए हमने, इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल महीनों महीनों ये खराब नहीं होंगे, और चाहें तो आप इसे तुरंत के तुरंत खा सकते हैं। तो इस तरह से तेल हमारा हो गया है गर्म, और अब हम इसे इस तरह से डाल देंगे। और शुरुआत में बिल्कुल भी इसे चलाना नहीं है, नहीं तो इसका शेप टूट सकता है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे और देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये अपने आप ऊपर आने लगेंगे। तो इस तरह से हम अपने डालते जाएंगे, और एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, एक साथ हम 3 ही डालेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तब हम दूसरा फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते हैं, और इसकी शेप एकदम बनी रहेगी अगर आप इसे टच नहीं करेंगे। अगर आप इसे टच करेंगे तो इसकी शेप बेकार हो जाएगी और ये टूट सकते हैं। तो इसीलिए धीमे फ्लेम पर इसे 3 मिनट तक पकने देना है। तो फ्रेंड 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये ऊपर आ गए हैं, यानी ये अच्छे से एक तरफ से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसमें हम चम्मच आराम से लगा सकते हैं और इसको इस तरह से इसकी साइड को चेक कर देंगे। और देखिए कितने अच्छे से ये फूले फूले से बन रहे हैं, बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडे के इस्तेमाल के। और अब इसे हम इस तरह से पकने देंगे, और अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो इसको बनने में मुश्किल से 4 मिनट लगते हैं। शुरुआत में 3 मिनट आपको इसे लो फ्लेम पे पकाना है और 1 मिनट अच्छे से क्रिस्पी करना है। तो पोहा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और इससे बड़ा नाश्ता आप जब बच्चों को ये सेव कर देंगे तो वो बिल्कुल आकर्षित हो जाएंगे खाने की तरफ। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि लोगों को ये नया नाश्ता बनाना आ जाए।
तो इस तरह से हम इसे टर्न आउट करते रहेंगे और फटाफट इसे हाई फ्लेम पर एक मिनट तक क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो फ्रेंड ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे हम इस तरह से साइड में करके थोड़ी देर रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो वापस चला जाए, और इस तरह से अब हम इसे निकाल कर अपने बर्तन में रख लेते हैं और फिर से तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। जब हमारा तेल एक बार गर्म हो जाएगा तो हम अपना तैयार नाश्ता इसके अंदर डालते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से डालना है, बहुत ज़्यादा तेज हाथों से नहीं डालना है, नहीं तो ये नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम अपने तीन तेल करके फिर से फ्राई कर लेंगे। तो फिर अब इसे हम टर्न कर लेंगे और अब इसे एक मिनट तक हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से हमारा दूसरा बैच भी रेडी होने वाला है। तो फ्रेंड इसे पकाने के लिए आपको स्पेस की जरूरत होगी, तो इसीलिए एक बार में आप तीन चार डालिए। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 6-7 डाल सकते हैं, तो मेरी कढ़ाई में 3 ही आ पा रहे थे। अगर आप इसे एक साथ ढेर सारे डाल देंगे तो सब चिपक जाएंगे और सेव नहीं आ पाएगा और सेव बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे टर्न आउट करते हुए एक मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिए हैं। तो ये वाला भी बैच कम्प्लीट हो चुका है और अब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सिर्फ पूहे से बन जाता है, ना आलू उबालने का झंझट ना छीनने का झंझट। और बहुत ही आसानी से इसे बनाइए और पूरे महीने स्टोर कीजिए, चाय के साथ बारिश में खाइए। तो हम इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम अपने सारे बना देंगे। बहुत ही आसान है बनाना और हम सारे बनाकर आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो फ्रेंड तैयार है हमारा कम मेहनत का बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो हमने सिर्फ पोहे से बनाया है, यानी चूरे से। आप लोग इसे क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग सा रिंग जैसा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसे स्टोर भी कर सकते हैं, हवाबंद डिब्बे में रखकर पूरे पूरे महीने स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ा है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, ये देखिए, और अंदर से सॉफ्ट है, ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए, आपको मजा आ जाएगा खाकर। और इस तरह से बनाइए, खाइए और मौसम का पूरा मजा लीजिए। चाय के साथ, केचप के साथ, जिसके साथ मन करे आप खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खाइएगा तो वही मजा आएगा। मैं इसे इस तरह से भी खाऊंगी तभी मुझे मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और कोई भी सामान चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कोई भी मसाले, कोई भी सामान आपको जरूरत हो तो वहां से आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।